चाहिए मोबाइल। अरे मोबाइल लीजिए डाउन। अरे मोबाइल लीजिए करो। तो पार्टी प्रत्याशी बेबी देवी के समर्थन में चुनावी जन पंचायतों से टोले से आए हुए आप सभी माताएं बहने नौजवान साथी बड़े बुजुर्ग किसान भाइयों आर आबोरन होड़पुर को शॉर्ट पेड़कान गो बाबा मुया मिश्रा को मजियाड़ा बुढ़ी पिलाके को सनाम पर पहल अली सेंसुन अड़ी अड़ी सराव और मन मनाओ जोहार। आज का इस चुनावी सभा में कई सारे वक्ताओं ने बहुत बातों को विस्तृत रूप में आपको बता दिया। मैं चाहूंगा कि उन बातों को ना दोहराऊं, लेकिन कुछ बातें जरूर फिर से आ जाती है। अभी हमारे इस प्रचार प्रसार में हम लोगों का माहौल देखने के लिए हमारे विरोधी लोग की गाड़ी इधर उधर घूम रहा है, दो तीन बार अंदर इन लोग को लगता है इसी तरीके का इनका आचरण हमेशा रहा है। घर में घुसकर लोगों को दिग्भ्रमित कर और कोई काम नहीं, जोर जोर से बाजा बजा करके इधर से उधर उधर से उधर इधर से उधर जा रहा और उसको दूसरा कोई सड़क नहीं मिला। अभी दो तीन बार तो हम देखने का यहां बैठे, अगर उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों का ये सभा तो हम तो आग्रह करेंगे वो भी इधर बगल में खड़ा हो जाए हम लोग की बातों को सुने। यहाँ का जन सैलाब को देखकर ये अपने आकाओं को जाकर खबर सुनाएंगे कि आज इतना बड़ा पैमाने पर यहाँ पर लोग का जुटान हुआ सभा और उसको इतने बड़े जन समूह को कैसे और दिग्भ्रमित करना है उसका षड्यंत्र भी रचेंगे। अभी हम शायद कहीं पेपर में भी आजकल पेपर में भी खबर देखने के लिए मिलता है, मोबाइल से भी खबर आ जाता है कि इस उपचुनाव में पुलिस ने यहां पर लाखों रुपया छापामारी के दौरान और ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारे विरोधी हैं ये पैसा उन्हीं का और ये लिफाफा में भर कर चूल्हा प्रमुखों को लिफाफा देने की एक तैयारी चल रही है। खैर कोई बात नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही सब जो है ना, हम लोग का तो लड़ाई ऐसे ही पूंजीपति और पैसे वालों के विरुद्ध में रहा और आज हम लोगों की लड़ाई और आदरणीय दिशंकर शिव सोरेन जी का नेतृत्व और अनगिनत सिपाहियों का उनके पीछे चलना
अपना शहादत देना। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाहियों की हिजरत में है, हम लोग कभी भी अपने मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं करने वाले हैं। हम लोग भूखा मरना पसंद करते हैं लेकिन भीख मांगना पसंद नहीं करते। और ये लोग पैसे के बदौलत चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में लोगों को दिग्भ्रमित करता है और जो पैसे खरीदा हुआ वोट को ये लोग बड़े बड़े पूंजीपतियों के यहां जाकर के बेच देता है। और वही नतीजा है कि आज इस देश की सारी सरकारी संपत्ति बिक गई। आज ये वो जमात के लोग हैं, जैसा होता है ना घर में एक नालायक बेटा जो कमाता धमाता नहीं है तो करता क्या है कि घर का जमा पूंजी जो होता है खेत बाड़ी गहना जेवर थाली बाटी सब बेच देता है। इसी तरीके का ये लोग जमात। आज यही वजह है कि आज इस देश का 80% लोग सरकार के राशन कार्ड पर जिंदा है, झारखंड का नहीं पूरा देश। क्योंकि आज महंगाई आसमान छू रहा है। आज चूल्हा प्रमुख महिलाओं को ये लोग विशेष रूप से टारगेट करके वोट बिखेरने का प्रयास कर रहा है और उस लिफाफा में 1000 रुपया 500 रुपया 1500 रुपया जहां जहां जैसा आदमी मिला वैसा भर भर कर दे रहा है और बोला वोट हमी को देना। हम महिलाओं से कहना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, उस लिफाफा से बच के रहिएगा। और आपको पता है कि आप घर द्वार चलाते हैं, बाल बच्चों का पूरा परिवार का लालन पालन करते हैं। आज आपका दाल चावल तेल नमक कितना महंगा हो गया। जब हम लोग सरकार में थे तो उस समय हम लोग का गैस सिलेंडर देते थे लोगों को 400-500 रुपया में, और आज का गैस सिलेंडर का दाम जरा बता दीजिए कितना है। अब कौन गैस सिलेंडर खरीदेगा बताओ। आज मुफ्त में गैस सिलेंडर तो बांटा लेकिन उसमें से आधा आदमी भी दोबारा सिलेंडर खरीदने का ताकत नहीं जुटा पाया। आज उस मुफ्त का सिलेंडर का हालत यह है वो एक कोना में पड़ा हुआ है और उसके ऊपर टोकरी में रख करके कूड़ा करकट रखने का काम हो रहा है। आज महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह आगे बढ़ रहा है। 80% लोग राशन कार्ड पर जिंदा रहने पर मजबूर है। कल वो दिन ना हम लोग को देखना पड़े कि ये लोग हाथ में कटोरा लेकर के हम लोग को सड़क पर उतार दें। अब इसी का लड़ाई को लेकर हम लोगों ने इंडिया महागठबंधन बनाया है कि आने वाला 2024 में उनको राज्य से भी और दिल्ली से भी पकड़ने का काम। एक इन प्रकार राजनीतिक ताकत नहीं जुटा पाते हैं तो सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करते हैं। ये भारत देश और ये झारखंड प्रदेश ये वीरों का देश है। इनके इस षड्यंत्र से ये घबराने वाले लोग नहीं है। आज नहीं कल ऐसे बुलंद आवाज उठेगी जहां इन पूंजीपतियों को और इन षड्यंत्रकारियों को हम लोग जड़ समेत उखाड़ कर फेंकने का काम। जात पर धर्म पर बांटना है
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कौन सा मुद्दा है? हिंदू मुस्लिम करने से नौकरी मिलेगा क्या? हिंदू मुस्लिम करने से क्या पेट भरेगा क्या? हिंदू मुस्लिम करने से महंगाई घटेगा क्या? अजीब हालत, ऐसा वातावरण कर दिया है इन लोगों ने पूरे देश में। वो तो आप लोग का आशीर्वाद है कि 2019 में जो डबल इंजन की सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने का काम किया है और झारखंडियों की सरकार बनाने का काम किया। 2019 से पहले देखिए कितना यहां पर मॉब लिंचिंग होता था, हर दूसरे तीसरे दिन कहीं कहीं मुसलमान को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था भीड़ के द्वारा, गोहत्या के नाम पर कहीं आदिवासी दलितों को रस्सी बांध करके घसीटा जाता था। लेकिन 2019 के बाद झारखंड में ऐसी घटनाएं आपको देखने को नहीं मिले। आज ये समझ चैन के साथ हम जी रहे हैं, यही इनका डर है। जिस देश में, जिस राज्य में, जिस प्रखंड में, जिस गांव में लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते वहां इनका राजनीतिक रोटी नहीं बनता। छोड़ दो, जिस राज्य कर दो, इधर आपस में झगड़ा करते हैं वहीं इनका राजनीतिक रोटी बनता है। इसलिए आप लोग को सचेत और ध्यान रखने के लिए हम लोग ये कहने आए हैं। चुनाव हम लोग बहुत ही दुखी मन से ये चुनाव को देख रहे हैं, नहीं तो हम लोग एक साल और बाद पूरा 5 साल करने के बाद ये चुनाव देखते हैं। आज हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी काफी वक्ताओं ने उनके विषय में कहा, मैंने तो उनको यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी के लोगों के प्रति जो उनका जो संघर्ष और उनका जो लगाव वो ऐसा लगाव था कि शायद ही कोई ऐसा नेता पैदा होगा कि जो लोग बीमार रहते हुए भी, जो इसका लोग मौत के मुंह से भी बच करके आने के बाद आपके बीच की सेवा करते करते मरते। और सब जगन्नाथ महतो ही नहीं बल्कि जगन्नाथ महतो जी का पूरा परिवार आज जैसे विधानसभा के लिए कुर्बान हो गया। हम लोगों को गणेश महतो को नहीं भूलना चाहिए, जो आज साय की तरह और जगन्नाथ जी का एक हनुमान की तरह बनकर इस राज्य के लोगों की सेवा में हाथ बटाता था। लेकिन वही गणेश महतो जी के हत्यारे लोगों को ये हमारे विपक्ष के लोग आज के दिन में गाड़ी में घुमा करके वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आज चाचा, काका, दादा का रिश्ता बना करके आपके बीच में आएगा लोग और आपसे वोट मांगने के लिए आग्रह करेंगे। रिश्ता नाता आप लोग निभाइएगा, बैठाइएगा, लोटा पानी कीजिएगा आप लोग, लेकिन 5 तारीख का दिन याद रखे, ये चुनाव आम चुनाव नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति के अपार मृत्यु होने के बाद का परिस्थिति है जिस व्यक्ति ने इस राज्य के हर समाज, हर वर्ग के लिए इतनी लंबी लकीर खींची है कि यहाँ के कई राजनीतिक दल को उस लकीर को पार करने के लिए 7 जन्म लेना है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो आपकी आंख से सुरमा चुरा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको काफी सचेत रहने का आपको जरूरत है। और पैसा क्या ना करा दे, पैसा एक ऐसा चीज है जो अच्छा अच्छा आदमी का माथा खराब कर देता है। इसीलिए ये लोग अंतिम समय तक इस ताकत का उपयोग करेंगे।
लेकिन हम लोग उसका जवाब भाई जगन्नाथ महतो जी के उस ताकत और चेहरे को अपने मन में याद रखें तो आप सभी अच्छे और बुरे को आप पहचान लेंगे। आज यहां हम आज इस मंच में अपने सरकार का उपलब्धि गिनाने के लिए हम नहीं आए, आज हम आपके बीच में आए इसलिए हैं कि भाई जगन्नाथ महतो जी ने जिस ईमानदारी के साथ जिस झारखंडी अस्मिता को बचाने के लगातार चाहे वो सरकार में रहे ना रहे, विधायक रहे ना रहे, मंत्री रहे ना रहे, ये संघर्ष करते रहे। ये तो इस बार सरकार बना और हमने उनको मंत्री बनाया, उसके बाद उन्होंने रफ्तार पकड़ा, लेकिन जैसे सरकार बनी कोरोना जैसा हम लोग के बीच में एक ऐसा महामारी सामने आया कि दुनिया उसको पहचानता भी नहीं था। इस महामारी का असर का भयानक होता था और इस महामारी में हमारे दो दो मंत्री को इस महामारी में निकल लिया, एक मधुपुर के विधायक सह मंत्री हाजी हसन अंसारी गुजर गए और हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी जो मुख्य रूप से इस कोरोना में लाख मना करने के बावजूद ये आप लोग के बीच में जाते रहे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन लोग कहता है ना कि लोग मर तो जाता है लेकिन उसका कर्म कभी नहीं मरता, और आज कहीं ना कहीं जब तक झारखंड रहेगा तब तक जगन्नाथ महतो जी का नाम पूरे निकल। आज बन्ना जी ने इस बात को कहा कि यहां पर जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग की लगातार प्रयास चल रही है, इसी क्रम में बोकारो में अस्पताल बनाने का एक निर्णय लिया गया और संयोग से उस समय जगन्नाथ महतो जी जिंदा था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जिंदा, क्या वो अस्पताल में थे दूसरी बात आ गई, लेकिन वो बीच में ही ये निर्णय को पूर्ण होने से पहले ही वो हमारे साथ छोड़ गए। तो हमने कहा ये अस्पताल बने, अस्पताल भी बनेगा और उसका नाम जगन्नाथ महतो जी के नाम से रखा जाएगा। अभी भी आए डिग्री कॉलेज का हम लोगों ने शिलान्यास किया, उसका भी जगन्नाथ महतो जी का नाम से रखा। अभी यहां धनबाद में जो कोयलांचल यूनिवर्सिटी हुआ करता था, इन बेमानों को 20 साल नजर नहीं आया, इस राज्य के शहीदों के प्रति मान सम्मान देने का सपना ना कोई काम। आज हमने हमारी सरकार बनने के बाद कोयलांचल का नाम शहीद निर्मल महतो जी के नाम से रखा। आज श्रद्धांजलि के रूप में छोटा सा प्रयास हमने किया, जिस इस राज्य का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर जिसको विधानसभा कहते हैं, उस विधानसभा में सिर्फ विधायक को जाने का आदेश है, दूसरा कोई आदमी बाहर का नहीं जा सकता, लेकिन आज उस लोकतंत्र के मंदिर में बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी का बुलंद आवाज और उसके कर्म को सलाम करते हुए आज बिना विधायक बने हुए आज देवी देवी जी को लोकतंत्र के उस मंदिर में हमने बैठाने लगा। अब
ये मजबूती से वहां बैठे रहे, इसका काम आप, ये आज आपके जिम्मे है। और आप क्या निर्णय लेंगे, जगन्नाथ महतो जी की आत्मा ऊपर से देखेंगे कि डुमरी विधानसभा का लोग उनको कितना चाहता था। इसीलिए आप लोग बातें बहुत हैं, अगर हम एक लाइन से शुरू करेंगे तो एक दिन भर बात का सिलसिला खत्म नहीं हो सकता। वर्तमान स्थिति परिस्थिति कितनी भयावह है, धीरे धीरे ये स्थिति उत्पन्न हो रही है जहां आपका संभालना बहुत मुश्किल हो। लेकिन झारखंड सरकार, जब से आपका ये सरकार बना है, एक एक प्रकार हम लगे हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ का नौजवान, यहाँ की हमारी बच्चियां, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे किसान, हमारे मजदूर कैसे सशक्त हैं। तरह तरह के कार्य योजना हमने बनाए हैं, पढ़ाई की नई पद्धति शुरू की है, आज मॉडल स्कूल बनाकर के प्राइवेट स्कूलों की तरह हम सरकारी स्कूल बना रहे हैं। आज नवाडी की यहाँ डुमरी विधानसभा में भी जो नेतरहाट विद्यालय है, जो इस देश में सबसे अधिक आईएसआईपीएस पैदा करता है, वो नेतरहाट हमारे डुमरी विधानसभा में बनेगा, ये भी प्रस्ताव हमने पारित किया। आज झारखंड का आदिवासी दलित पिछड़ा बच्चा कितना घर का माँ बाप है जो अपना बाल बच्चा लोगों को विदेश पढ़ने भेजने का सपना देखता था, कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये आपकी सरकार आज आदिवासी दलित पिछड़ों के बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज रही है, उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाती है। और उससे मुझे लगता है कि नवाडी एक अलाड़ू का ही एक मात्र लड़का है जिसको प्रीतमपुरी नाम है उस बच्चे का। प्रीतमपुरी आज लंदन में चला गया और वो कितना बड़ा पढ़ाई करके आएगा और समाज को क्या संदेश देगा का अंदाजा लगा। आज हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा ना मिले, हमारे बूढ़ा बुजुर्ग ऐसे ही पेंशन के लिए भटकते मर जाए, यही आलम था। आज इस राज्य में बताइए कौन गांव है जहां 60 साल से अधिक उम्र का बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलता। आज हमने कानून बना दिया कि कोई भी विधवा महिला, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति और कोई भी दिव्यांग आदमी बिना पेंशन का नहीं रहेगा। आज सबको पेंशन मिलता है। इन लोगों ने तो 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया था, हम लोग अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड बना करके आप लोग के बीच में बांटे। कई बात चुनाव जेल बढ़ाया, जेल का, लेकिन चुनाव चुनाव का अंत बना। आप विधायक, आप मंत्री अभी मोजे कमी कोरोना रुआते अब बगिया कोना मेरे चुनाव हो। आज निश्चित रूप से चुनाव रहे अब सना मायमा दल बिलाव करते कांग्रेस आर जे डी सी पी आई सना झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलाव करते मिड टर्म प्रत्याशी का दिया। बेबी देवी जी ने जगन्नाथ माथो जी ने नोड़ा होड़ा करना है और निश्चित रूप से उन्हें जिता करते उन्हें सम्मान कमी अब बाबू मिलेगा। 5 तारीख 1 नंबर एपीएम मशीन में बटन बनना सनातन पहल वोट अपे तार पर के उनिलो इटा जा के कमी बकाय खड़ी या समय अभी चार चार काम करना आयु और पहल बकाय सनाभा मशीन को बंद बड़ा करते को निर्भगी आना
होना चाहती हूँ मिटकांग वोट आलो सारे लोग माँ इसीलिए इस लोकतंत्र के ताकत आपके वोट में एक अंगुली में एक अंगुली एक वोट से आदमी कुर्सी में उतरता है और कुर्सी से बाहर भी हो जाता है और वो एक वोट किसके हाथ में है किसी को पता नहीं इसीलिए कोई भी वोट गांव में नहीं बचना चाहिए इस बार अगर आप लोगों ने पिछले बार 72,000 वोट जगन्नाथ दा को दिया है तो इस बार 140,000 जाना होगा और बाकी लोगों का जमाना जब्त करना पड़ेगा तभी जगन्नाथ जी का सच्चा श्रद्धांजलि माना जाएगा तो इसलिए साथियों और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा कि 1 तारीख का दिन एक नंबर मशीन इंडिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहचान हर हाल में जीतेंगे हम और पूरी ताकत से जीतेंगे हम आखिरी में एक बार नारा लगाएंगे जगन्नाथ माता तो पार्टी प्रत्याशी बेबी देवी के समर्थन में चुनावी जनसभा